हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज हम बनाने वाले हैं ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधे किलो ग्वार ली है और ग्वार का जो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला पार्ट है, इस तरीके से उसको हम काट लेंगे। सभी ग्वार की फली को इस तरीके से काट लेंगे और इस तरीके से हाथों में पंच बना करके इस तरीके से इनको काट लेंगे 1 इंच के व्यास पर। तो ये सारी ग्वार की फलियाँ मैंने काट ली हैं और अब हम लेंगे यहाँ पे एक प्रेशर कुकर, यानी कि हमें जो ग्वार की फली है उनको बॉईल करना है। ध्यान हमें यहाँ पे ये देना है कि जो ग्वार की फली है वो ओवर कुक ना हो। ओवर कुक ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे से आलू डाल रही हूँ, ताकि आलू को बॉईल करने में भी हमें ज़्यादा सीटी ना लगानी पड़े। तो देखिए, जैसे एक विसल आई, मैंने तुरंत जो कुकर का जो प्रेशर था उसको रिलीज़ कर दिया है। सीटी को उठा लेंगे, यानी कि जो प्रेशर जो बना है कुकर के अंदर उसको हमें रिलीज़ करना है। और ये आलू भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और ये देखिए, तुरंत हमने सीटी उठा दी थी, तो इसके कारण जो ग्वार की फलियां हैं वो ओवर कुक नहीं हुई है। जितनी हमें चाहिए उस तरीके से ही हमारी ग्वार की फलियां बॉयल हुई हैं। तो जैसे ही हम सीटी आएगी, वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही विसल आएगी तुरंत हमें विसल को उठा लेना है। और ये देखिए, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हल्के से कच्चे रह भी जाएंगे तो कोई नहीं, सब्ज़ी के साथ वो कुक हो जाते हैं। तो आलू जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुके थे और मैंने एक आलू के लगभग 8 टुकड़े किए हैं। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से जैसे ही धुआं उठेगा, उसके बाद मैंने तड़के के लिए यहाँ पे धनिया का बीज लिया है, जीरा लिया है और हींग ली है। और जैसे ही ये भुन जाए अच्छे से, उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक को दरदरा कूट लिया था, उनको भी भून लिया है अच्छे से। और अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो प्याज भी फ्राई हो चुका है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली थी, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है, इनको भी भून लिया है। और 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, तो टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। जल्दी भुन जाए इसके लिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे और मिला लेंगे। और इसे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक कर हम ढक करके पकने देंगे। तो टमाटर वैसे हमारे 2 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिए है, हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है और कश्मीरी मिर्च ली है। नमक हम पहले ऐड कर चुके थे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से पेस्ट के फॉर्म में हम मसाले को तैयार करेंगे। और ये हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मसाले का पेस्ट जो हमने बनाया था, इसको भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को छुटा लेंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे और अब भून लेंगे। इस तरीके से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी अगर हम इस तरीके से उसमें मसाला बना के डालते हैं तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। वो गाँव वाला जो टेस्ट होता है ना, वो आता है सब्ज़ी में। और अब मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है ग्वार की फली और आलू, थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया था तो इसको भी ऐड कर लिया है। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालिएगा, मेरे पास इतना ही है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी मेरे पास हरा धनिया नहीं है। कोई नहीं, आज बिना हरे धनिया की हम ये सब्ज़ी खा लेंगे और मिला लेंगे इसे अच्छे से मसाले के साथ में। तो ये ग्वार की फली भी और आलू भी हमारे अच्छे से मिल चुकी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिला लेंगे अच्छे से। तो ये मिला लिया है मैंने इसको अच्छे से, थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो थोड़ी सब्ज़ी लटपटी सी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको सूखी खाने का मन हो तो आप पानी ना ऐड करिएगा, बट हमें थोड़ी सी लटपटी सब्ज़ी पसंद है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सिम फ्लेम पर सब्ज़ी को ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया था। तो सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म मसाला डाला है और इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। और 2 से 3 मिनट के लिए हम सिम फ्लेम पे सब्ज़ी को पकने देंगे, ताकि जो गरम मसाला है वो अच्छे से सब्ज़ी में मिल जाए। तो 2-3 मिनट भी हो चुके हैं यहाँ पे और ये सब्ज़ी हमारी कुक हो चुकी है। आप इस सब्ज़ी को पराठे, पूड़ी, रोटी के साथ, चावल के साथ में सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।